सारचो सारनी, आज मैं आपको अल और जामन की सब्जी बताऊंगी। अल का मतलब लौकी और जामन का मतलब पनीर, तो इसकी मैं सब्जी बताऊंगी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके लिए मुझे चाहिए लौकी और पनीर, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है। तो मैंने लौकी के पीसेस कर लिए हैं और इसे वॉश कर लिया है, ये देखिए। और मैंने पनीर के भी पीसेस कर लिए हैं, ये देखिए। अब मैं एक पैन लूँगी जिसमें मैं पनीर और लौकी दोनों को तलूँगी। पैन ले लिया है, अब मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। हमें पनीर और लौकी को फ्राई करना है। हमने पनीर डाल दी है और इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करना है। अब हम इसे पलट लेते हैं। हम फ्लेम थोड़ा धीमे रखेंगे। ये देखिए हमारी पनीर तल रही है। हमारी पनीर तल गई है, मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें लौकी को डाल देती हूँ। हम इसे भी तलने के लिए रख देते हैं। हमें कुछ इस तरह से इसे तलना है। लौकी फ्राई हो गई है, मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। हमने पैन में तेल ले लिया है, अब मैं इसमें हींग डालूँगी, पिंच ऑफ हींग, लौंग 3 लौंग, तेज़पत्ता, दालचीनी, ज़ीरा, सौंठ पाउडर, सौंठ मतलब अदरक पाउडर हल्दी 1/2 चम्मच, और साथ में ही मैं पानी डाल देती हूँ, मसाला जले नहीं। इसमें मैं सौंफ पाउडर 1 चम्मच, और इसे भी मैं मिक्स कर लेती हूँ स्वाद अनुसार। मैं 1/2 चम्मच के से भी कम ले रही हूँ डालूंगी, और साथ ही में मैं इसमें पानी डालूंगी। और इसे मैं थोड़ा सा उबलने देती हूँ। हमारे मसालों में उबाल आ गया है, अब मैं इसमें लौकी डाल देती हूँ। और साथ ही में मैं पनीर को भी डाल देती हूँ। ढक देती हूँ पकने के लिए 5 से 10 मिनट तक। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैं इसे थोड़ा मिला लेती हूँ। हमारी अल और जामन रेडी है। मैं इसमें थोड़ा, ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा 1/2 कप के करीब दूध मिलाऊंगी। मैं अब गैस का नॉब बंद कर देती हूँ। मैं इसमें दूध को मिलाऊंगी। हमारी अल और जामन रेडी है, ये देखिए। है ना बहुत ही इजी रेसिपी, बिना जिंजर गार्लिक और टमाटो के। हमारी अल और जामन रेडी है, ये देखिए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। कश्मीरी तरीके से अल और सामान।